माया पुनिकट, मैं हूँ संजना और मैं हूँ योशु और हम आज बात करने वाले हैं स्टार प्लस के डांस रियलिटी शो नच बलिए 9 के बारे में, जिसमें मुझे लग रहा है डांस है ही नहीं. डांस नहीं है बल्कि बहुत 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 सारा ड्रामा है इस शो में, राइट? मुझे लग रहा है कि ना इस बार जो नच बलिए 9 है उन्होंने मेकर्स जो है, एक तो सलमान खान उसके मेकर है, तो बिग बॉस करके ना उनका रियलिटी शोज को लेके वही परसेप्शन बन चुका है कि डांस हो या जो भी हो, ड्रामा तो चाहिए ही बॉस. चाहे कोई, ये तो हमने देखा ही था कि जैसे कोई भी शोज होते हैं, रियलिटी शोज, सिंगिंग हो गए, डांसिंग हो गए, उसमें ड्रामा भी होता है. टीआरपी के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, बट ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना ज्यादा ड्रामा कि ऐसा लग रहा है ये कोई ड्रामा रियलिटी काइंड ऑफ अ शो बन चुका है. हम मानते हैं कि इंडियन ऑडियंस को थोड़ा सा मसाला चाहिए होता है, पर ये थोड़ी ना कि आप डांस रियलिटी शो में डांस ही ना दिखाओ, बिकॉज डांस है ही नहीं, नेग्लिजिबल है. मतलब मुश्किल से दो लोग उसमें डांस करते हैं, उनमें से भी बेचारे हमारे फैजल खान, उनको फ्रैक्चर हो चुका है, वो तो जा ही चुके हैं. बचे शांतनु महेश्वरी, जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि ये फेक कपल है. सबसे बड़ा मतलब खुलासा ये है कि स्टार प्लस को फेक कपल्स का सहारा लेना पड़ रहा है अपना शो चलाने के लिए. वही तो. और जैसे नच बलिए 9 जब से स्टार्ट हुआ था तब से ही यू नो ड्रामा का सिलसिला चालू हुआ है, और सबसे बड़ा ड्रामा जो होता है वो मधुरिमा और विशाल क्रिएट करते हैं, राइट? और हमें लग रहा है कि हम मधुरिमा और विशाल को मिस करेंगे, बट ऐसा नहीं, एक्चुअल में उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है और बिग बॉस में. सीरियसली, बिग बॉस में तो वो आएंगे, नच बलिए 9 में भी आने वाले हैं वो नेक्स्ट वीकेंड पे. अच्छा. इस बार क्या है, वाइल्ड कार्ड जो एंट्रीज होने वाली है, बाकी सब तो नए कपल्स आएंगे, 2-3 नए कपल्स भी हैं, और इस बार ये दोनों वापस आ रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों से इनका जो कोरियोग्राफर है सनम जौहर, वो इतने परेशान हो चुके हैं, बिकॉज वो है एक डांसर, उनको सिर्फ डांस समझ आता है, उनको ये बेफालतू की किचपिच नहीं समझ आती है, उन्होंने ये शो छोड़ दिया है. सो सैड. वो सनम जो कि हम जानते हैं कितने अच्छे बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं, और उनको यू नो इन सब ड्रामे की वजह से, बिकॉज मधुरिमा और विशाल इतना लड़ते हैं स्टेज पे, यू नो उनने माइक भी फेंका एक दूसरे के ऊपर, और इतनी लड़ते हैं कि रवीना टंडन को इनका बिहेवियर बहुत अनप्रोफेशनल लगा. सो उसकी वजह से इनने फिर शो छोड़ा. फिर सनम जो उनके कोरियोग्राफर है उनने भी क्विट कर दिया. अब इनको मतलब दूसरे कोरियोग्राफर्स दिए जाएंगे, पर बात वो नहीं है. बात ये है, हम सिर्फ एक जोड़ी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हर जोड़ी में अलग ही ड्रामा है. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रिंस नरूला इतने सारे रियलिटी शो जीत सके हैं ना, वो ये वाला रियलिटी शो भी वो जीत जाएंगे, क्योंकि कोई अच्छा डांसर है ही नहीं तो वो जीतेंगे ही. ऑफकोर्स जब से नच बलिए 9 स्टार्ट हुआ है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो रहा है, किसी को जॉन्डिस हो गया तो जिनकी वजह से उनको शो छोड़ना पड़ा, मधुरिमा और विशाल की लड़ाइयाँ, देन ये नताशा के परफॉर्मेंस में यू नो वो कैसे अपने स्टेप्स भूल जाती है एंड बहुत अपने ईगो में लेके चली जाती है बात को, ये सारे ड्रामे जो है अब पता नहीं ये सच में है, ये टीआरपी के लिए क्रिएट किए गए हैं. एंड यू नो सब लोग ये भी कह रहे हैं कि जो विशाल और मधुरिमा की फाइट्स हैं वो ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं ताकि उनको यू नो और टीआरपी मिले एंड उनको बिग बॉस में एंट्री मिल गई. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और टीआरपी मिले इसलिए तो उनको मिल रही होगी टीआरपी, और एक एपिसोड जो हमारा लास्ट बिना विशाल मधुरिमा के हुए उसमें टीआरपी नहीं आई होगी, इसलिए तो उनको वाइल्ड कार्ड बना के लाया जा रहा है. पर ये सब तो चलो हमारी डिस्कशन थी. एक्चुअली क्या है, हम दोनों ऑफिस में बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है नच बलिए 9 में, तो हमने सोचा हम कैमरा पे डिस्कस करते हैं ताकि हम लोग आपसे बात कर सके, आपसे भी पूछ सके कि आपको इस बार नच बलिए 9 में क्यों लग रहा है. क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैंने छोटे होते से ही नच बलिए देखा है और मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया डांसर्स देखे हैं वहां पर, गुरमीत चौधरी, ऋत्विक आशा, ऐसे बहुत सारे कपल्स थे जिन्होंने एक जो एक्चुअल डांस रियलिटी शो होता है ना उससे भी बेटर डांसर्स थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो रहा है. यू नो बिग बॉस की विनर रह चुकी जो नच बलिए में उर्वशी ढोलकिया, उनने भी बोला कि इविक्ट होने के बाद कि ये जो शो है ये बहुत पार्शियल शो है, सब लोग बहुत पार्शियलिटी करते हैं, ड्रामा को ज़्यादा अपर हैंड दिया जा रहा है और जो अच्छे डांसर्स हैं उनको कहीं लाइमलाइट में नहीं रख रहे हैं ये लोग. एंड ये जो इविक्शन था वो भी स्क्रिप्टेड था, ये उर्वशी ढोलकिया ने खुद बोला है अपने इविक्शन के बाद. तो ये सब तो मतलब हमारा डिस्कशन तो बहुत लंबा चलता रहेगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं बोलने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी थोड़े से पॉइंट्स हमें बताइए. अगर आप हमारी बात से एग्री करते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नच बलिए 9 कितना फेक लग रहा है और आप कितना ज्यादा नच के अंदर नच को मिस कर रहे हो. एग्जैक्टली. और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मायापुरी कट.